इतिहास इसे स्वर्णिम दिन के रूप में जानेगा, लेकिन मैं उस बिल पर आने से पहले कुछ खुदरा मामला निपटा लेना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने एक बात बार बार कही, किस विधेयक पर आप कितने दिन बहस कर रहे हैं, एक दिन में बहस करके इसके निपटाना चाहते हैं। मित्रों, 1976 में आप कृपया शांति, आप बताएं 1976 में आप चेयर की ओर देखकर संबोधन अपना दें, आप चेयर की ओर देखें। 1976 में संविधान के मूल चरित्र में परिवर्तन करने के लिए इसी हॉल में कितने मिनट लगे, जब सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को जोड़ दिया गया, उस सदन में कौन बैठे हुए थे? सभापति महोदय, आप जिस विचारधारा के पोषक रहे हैं, यह देश जेल में बंद था और संविधान में परिवर्तन किया जा रहा था, इसके लिए कांग्रेस पार्टी पहले माफी मांगे देश से। मैं दूसरी बात निपटाना चाहता हूं, दूसरे मामले को मैं निपटा लेना चाहता हूं। जिस पार्टी से संजय सिंह जी हैं और जिस पार्टी की तरफ से बोल रहे थे, मैं उम्मीद करूंगा कि अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करेगी। और संजय सिंह जी का यह क्या कथन? कृपया संजय जी अपनी सीट पर बैठे, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप संजय जी कृपया अपनी जगह बैठे। प्रिंसिपल साहब आज सदन में नहीं है, तीन राज्य में अपनी बात कहनी है, आप कृपया खत्म करें, इधर देखिए। सभापति महोदय, मैं बोल नहीं पा रहा। हाँ, बोले, आप बोले। मैंने कभी टोका टोकी नहीं की किसी के लिए। बोले बोले आप दो मिनट ले चुके हैं, सिर्फ तीन मिनट आपके पास बाकी है, सिर्फ तीन मिनट। राज्यसभा में कृपया बैठे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मूल प्रश्न है कि यह संविधान संशोधन का आधार क्या है, मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। हमने आर्टिकल 15 को कोट किया, हमने आर्टिकल 16 को कोट किया, उसके प्रावधानों को कोट किया, लेकिन यदि संविधान को आप सचमुच में जानना चाहते हैं तो संविधान सभा की बहस के आईने में ही देखना पड़ेगा। आखिर 15 और 16 कैसे आया, ये प्रावधान कैसे आए, उसका एक मूल कारण है। संविधान सभा में दो शब्दों पर बहस हुई थी, वे दो शब्द थे डिफरेंसेज एंड डिसएडवांटेज, और इस पर घंटों नहीं दिनों बहस हुआ। डिफरेंसेज का क्या मीनिंग है, डिसएडवांटेज का क्या मीनिंग है? तो संविधान सभा में एक बात आई कि डिफरेंसेज का मतलब है सोशियो कल्चरल डिफरेंसेज दैट कैन बी ओवरकम, लेकिन जो डिसएडवांटेज है सभापति महोदय, वो हिस्टोरिकली इन्फ्लिक्टेड डिसएडवांटेज है। वह ऐसा डिसएडवांटेज है जिसके लिए उनको प्रोटेक्शन के लिए आवश्यकता है। इसलिए संविधान सभा के तहत जो संविधान में बात आई, उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को बाद में हम जब जोड़ते हैं तो वह डिसएडवांटेज कैटेगरी में आता है। आज मैंने कहा यह असाधारण है, उसका बड़ा कारण है, संविधान सभा ने जब सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस की बात कही और 1976 में आपने सोशलिज्म शब्द को जोड़ा, तो सोशलिज्म शब्द को यदि हम लेते हैं तो रिलीजन और कास्ट न्यूट्रल होता है। यह विधेयक रिलीजन न्यूट्रल विधेयक है। भारत के इतिहास में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐसा विधेयक लाने का काम किया है जो सभी धर्मों के सभी गरीब लोगों तक पहुंचने का काम कर रहा है। आप सुन लीजिए, इसका एक दूसरा पक्ष मैं बताना चाहता हूं। कृपया एक मिनट समय है और अपनी बात, अध्यक्ष तीन मिनट और दे दी जाए। चलिए, पर तीन मिनट बाद स्वतः आग्रह करें कि वो बैठ जाए। सभापति महोदय, मैं तो तीन मिनट टोका टोके में मेरा चला जाता है। आप तीन मिनट अपनी बात खत्म। मैंने कहा डिफरेंसेस के बारे में, जो सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस की बात संविधान सभा में कही गई थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जोड़ा है जो कमी थी। सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस में वेल्थ का डिफरेंसेस, स्टेटस का डिफरेंसेस,
डिग्निटी का डिफरेंसेज, इन तीनों चीजें मिसिंग थी। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन तीनों चीजों को छोड़कर उस डिफरेंसेज को संविधान सभा का हकीकत बनाकर गरीबों के दरवाजे तक इस विधेयक को ले जाने का काम किया। मैं अब दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, राम गोपाल जी और सतीश मिश्रा जी के वाणी में थोड़ी समानता दिखाई पड़ने लगी है। पता नहीं साइकिल के नीचे हाथी आएगा कि हाथी के ऊपर साइकिल जाएगा, मुझे मालूम नहीं। आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड हो जा रही है, प्लीज आप कृपया बैठो। आप चिंता मत कीजिए, सबके सबसे भारी अमित भाई पड़ते हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। आपके पास दो मिनट सिर्फ समय है। आज राज्यसभा में धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग करके इस देश में आजादी के पहले की जो सांप्रदायिक राजनीति थी उसे जीवित करने की कोशिश दोनों नेताओं ने की है। सभापति महोदय, मैं तीन लोगों का नाम लेना चाहता हूं। श्री आर के सधवा पारसी थे, एस सी मुखर्जी ईसाई थे और ताजा मूल हुसैन मुस्लिम थे। तीनों का संविधान सभा में भाषण को पढ़ लीजिए। इन्होंने कहा मेजोरिटी माइनोरिटी कम्युनिटी का जो क्रिएशन है, दीज आर क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिशर्स हैव गॉन विद देम द कंसेप्ट ऑफ माइनोरिटी हैज आल्सो गॉन। उन्होंने अपील की थी कि माइनोरिटी शब्द को अपने डिक्शनरी से बाहर फेंक दीजिए, लेकिन राम गोपाल जी और सतीश मिश्रा जी कांग्रेस के लोग माइनोरिटी शब्द को पहला शब्द बनाकर रखना चाहते हैं। और एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। बार बार कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 4.5 साल में क्या किया है। जरा शांत तो रह जाइए, आप अपनी बात एक मिनट में खत्म करें। सभापति महोदय, मुझे कोई कांग्रेस का नेता है बता दे 47 से लेकर 2017 तक किसी पार्टी ने 90,000 लोगों का एडवर्टीजमेंट, रेल का एडवर्टीजमेंट एक दिन में निकाला हो। 90,000 का एडवर्टीजमेंट रेल का निकला है, आप बताकर दिखा दीजिए। मुझे यह बताकर दिखा दीजिए मुद्रा योजना में आप अपनी बात खत्म करें। माननीय पुनिया साहब आप बैठे, अरे सुन तो लीजिए। राकेश जी आप अपनी बात खत्म करें, मैं दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा, प्लीज। आप खत्म करें, जो समय तय था वो आपने ले लिया। मुद्रा योजना में 12 करोड़ लोगों को मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। आप खत्म करें, नहीं तो मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। समय मैं समाप्त कर रहा हूँ, प्लीज कंक्लूड। मैं समाप्त कर, प्लीज कंक्लूड। कंक्लूड तो करूँ मैं। मुद्रा योजना में 12 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया, 9.5-7 करोड़ का ऋण दिया गया। 55% ओबीसी SC ST है। मैं अब आपकी बात के बाद मैं खत्म करूंगा। आप खत्म करें, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। प्लीज कंक्लूड। मैं कांग्रेस के मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो साक्षात्कार में कहा वो याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने एक स्टेटमेंट के नाते विपक्ष के नेताओं से अपील की थी। राकेश जी बाध्य होकर के मुझे दूसरे स्पीकर को बुलाना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि के मुद्दे पर आपने जैसा रंगा डाला, रंगा मत डालिए। आज आप फिर इसकी तैयारी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी की बातों से लग गया, आप हो गया। कांग्रेस पार्टी इस विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में रोकना चाहती है। कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ, हो गया, बैठ जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ज्यादा न्यूज पाने के लिए हमारे ब्लॉग पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत। अगर